स्पेन की लाटोमेटिनो फेस्टिवल की परंपरा को इस वर्ष 70 साल पूरे हो गए हैं। इसे हर साल अगस्त के आखिरी बुधवार को मनाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फेस्टिवल की शुरुआत 1945 में अचानक ही हुई थी। कहा जाता है कि कुछ टीनेजर्स इस बात से नाराज थे कि वो टाउन परेड में हिस्सा नहीं ले सके। वे गुस्से में आकर एक दूसरे को टमाटर मारने लगे। वहाँ खड़े लोगों को ये देखकर मजा आ गया और वे भी इसका हिस्सा बन गए। बस तभी से इसे मनाया जाने लगा। इसके बाद 1957 में इसे आधिकारिक तौर पर फेस्टिवल मान लिया गया। अब तो ये सिर्फ स्पेन में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर फेस्टिवल में से एक है। दूर दूर के देशों में इसके शिरकत करने आते हैं। इस दिन सभी एक घंटे तक एक दूसरे को टमाटर मारते हैं। वैसे ये फेस्टिवल एक हफ्ते तक चलता है। इस दौरान रंग बिरंगी परेड निकल जाती है, लोग नाचते हैं और आतिशबाजी करते हैं। हर साल करीब 150 टन टमाटर इसमें उपयोग करते हैं। सो गाइज, आपको ये फैक्ट कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।